अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम ज़ुल्करनैन व्लॉग्स की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि हर दो महीने बाद प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि डॉलर जिस तरह डॉलर की प्राइस से भी ये मैच नहीं करते, क्योंकि डॉलर कभी डाउन हो जाता है तो ये डाउन तो नहीं करते प्राइस। और पेट्रोल अब आपको पता है कि जैसे कि 25 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तो अब आज एक आवाम को एक नई खुशखबरी मिल गई है कि मोटरसाइकिल की प्राइस इंक्रीज हो गई है। जैसा कि आपको पता है कि पहले होंडा प्राइसेस को इंक्रीज करती है हर दो महीने बाद, तो उसके बाद यामाहा को मौका मिल जाता है, वो इंक्रीज कर लेती है, और तीसरे नंबर पे सुजुकी की बाइक्स अपनी प्राइस को अपडेट कर लेते हैं। तो इस बार यामाहा ने पहल कर दी, यामाहा ने अपने बाइक्स के प्राइस को सबसे पहले अपडेट्स कर दिया। तो बात करते हैं यामाहा के बाइक्स के प्राइस की। यामाहा YB125Z जो इनका फैमिली बाइक है और बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल बाइक है, तो उसकी ओल्ड प्राइस थी 1,46,000, जबकि अब न्यू प्राइस इसकी हो गई है 5,000 इंक्रीज होके 1,51,000। इस यामाहा YB125Z की प्राइस में 5,000 का इंक्रीज किया इन्होंने प्राइस, और इसकी अब न्यू लेटेस्ट प्राइस है 1,51,000। और इनका दूसरा प्रोडक्ट है यामाहा YBR125ESD, उसकी ओल्ड प्राइस थी 1,64,000, जबकि अब 5,000 पे इंक्रीज होके इसकी न्यू प्राइस जो कि अपडेट हुई है 1,69,000। और तीसरे नंबर पे इसके इनका जो तीसरा प्रोडक्ट है जो कि इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो उसकी जो कि यामाहा YBR125G, तो उसकी ओल्ड प्राइस थी 1,72,000, और अब लेटेस्ट जो इसकी प्राइस है जो कि अपडेट हो के इसमें आपको लेटेस्ट प्राइस 1,78,000 इसकी प्राइस है लेटेस्ट। तो इसकी जो प्राइस है इसमें इन्होंने 6,000 का इजाफा किया है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं, और ये होंडा यामाहा सुजुकी ये हर दो महीने बाद या तीन महीने बाद अपनी प्राइसेस को अपडेट्स करती हैं। तो इस बार यामाहा ने अपडेट्स कर लिए हैं पहले प्राइसेस को। तो ये आज की लेटेस्ट प्राइस है जो कि अपडेट्स हो चुकी है। तो इसके बाद जैसा कि होंडा अब अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करेगी, उसके तमाम वेरिएंट्स की प्राइस इंक्रीज होगी, और उसके पास तीसरे नंबर पे सुजुकी जो कि अपने सुजुकी GT110 और GS150SE और GR150 उन तीनों वेरिएंट्स की प्राइस को अपडेट्स करेगी। तो आज की ये लेटेस्ट अपडेट्स थी जो कि मैंने चाह के अपने व्यूवर्स को बता दूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह इस तरह के मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यामाहा की प्राइसेस जैसे अपडेट्स हुई हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब अगर इसके बाद होंडा की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो उनकी जैसे अपडेट्स आएगी तो मैं आपको इंशाल्लाह उनकी भी अपडेट्स दे दूँगा। तो इसके साथ ज़ुल्करनैन व्लॉग को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।